फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन का मतलब है कि फंगस या दर्द लगना शुरू हो जाती है। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, और हम उस पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों छोटे बच्चों में तो कॉमन होता ही है, बड़ों में भी कॉमन होता है, यहाँ तक के जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उनमें ये क्यों कॉमन होता है, क्योंकि डायबिटिक्स जिन लोगों को शुगर होती है उनमें फंगल इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना अच्छा काम नहीं करता, या उनको कोई और अंडरलाइन डिजीजेस हैं, उन सब लोगों में भी बहुत कॉमन होते हैं फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो आज जो है वो हम बिल्कुल ही जो कॉमन फंगल इन्फेक्शंस हैं जो बच्चों में, बड़ों में या और ओल्ड एज पीपल के अंदर होते हैं कॉमनली बरसात के मौसम में, हम उस पर बात करें। और ये होते क्यों हैं? होते इसलिए हैं कि जिस वक्त गर्मी ज़्यादा होती है और बरसात का मौसम आता है या बारिशें होती हैं, तो ह्यूमिडिटी यानी नमी की जो मिकदार है वो भी ज़्यादा हो जाती है, और फंगस या दर्दर जो होती है ये बेसिकली ऐसी ही जगह पे पाई जाएगी और ऐसी ही जगह पे फल फूल सकती है जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे गर्मी हो और जहाँ पे नमी हो। ठीक है, तो जो कॉमन फंगल इन्फेक्शन्स हैं उनके जो कॉमन नाम है मैं आपको वो भी बताती जाऊँगी, और उसके साथ साथ हम लोग यानी कि हमारी जबान में, डॉक्टर्स की जबान में उसको क्या कहते हैं मैं वो भी बताऊँगी। जो सबसे पहला कॉमन इन्फेक्शन है उसको कहते हैं एथलीट्स फुट, यानी कि स्पोर्ट्समैन का पाँव समझ लें। ठीक है, यानी कि ये ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि ये कॉमनली स्पोर्ट्स पर्संस में होती है, स्पोर्ट्समैन में होती है। ठीक है, लेकिन ये किसी में भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पाँव है, पाँव के जो तलवे हैं या जो आपके फुट का सोल होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, और जो उंगलियों के दरमियान के स्पेसेस होते हैं, ये सारे के सारे हमारे वेब स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे पाँव के जो वेब स्पेसेस हैं उनमें बेसिकली फंगस यानी कि दर्दर लग जाती है। ये आपको कैसे नज़र आएगा? जैसे बिल्कुल खुश्क स्किन होती है, वाइट कलर के स्केल्स बने हुए आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा सोरनेस, जैसे बहुत फटी हुई सी स्किन होती है ना, सोर हो जाती है, फटी हुई स्किन होती है, वैसे आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ आपको लगेगा कि यहाँ से स्किन जो है वो उखड़ रही है, यहाँ से स्किन जो है वो उतर रही है। ख़ारिश इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके अंदर बर्निंग सेंसेशन भी आपको फील हो सकती है। तो ये कहाँ पे होता है? जो एथलीट्स फुट है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हमारी लैंग्वेज में टीनिया पीडिस कहते हैं, और आप लोगों के लिए जो है वो हम इसको क्या कहते हैं, एथलीट्स फुट कहते हैं। ये ज़्यादातर नहीं, इसकी जगह है, इसका नाम से आपको याद रहेगा, इसकी जगह ही जो है वो पाँव के तलवे यानी कि जो फुट का सोल है उसमें, और जो उंगलियों के दरमियान में स्पेसेस होते हैं उसमें होती है ये। इसमें आपको ख़ारिश भी हो सकती है, इसमें आपको बर्निंग भी फील हो सकती है, उसके अलावा सोरनेस भी फील हो सकती है, स्किन आपको ड्राई और पील ऑफ होती हुई उतरती हुई भी फील होगी। और ख़ारिश क्योंकि इसमें ज़्यादा होती है तो लोगों को तंगी बेसिकली उसी से शुरू होना शुरू होती है। ठीक है, और फिर वो सोचते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे सारे लोग जो कि सॉक्स और बंद शूज़ पहन के रहते हैं, और उनके या फिर उनके पाँव में पसीना आता है, या जैसे होता है ना गर्मी का मौसम है तो आप नहाते हैं या वुज़ू करते हैं तो आप गीले पाँव छोड़ देते हैं कि भाई अच्छा लग रहा है इस मौसम में, ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये नमी को अपने अंदर रखने में हेल्प करती हैं आपकी स्किन में, और आपकी स्किन जो है उसमें फंगस लगने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, आपको जब ऐसा फील हो कि ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको स्किन पे नॉर्मल नहीं लग रही और उसकी जगह जो मैंने आपको बताई हैं वो हुई हैं, तो फिर आपने क्या करना है घर में, या तो सबसे पहले ये काम शुरू कर दें कि अपने पाँव जो हैं उनको साफ रखें और खुश्क रखें और पसीना ना आने दें। अगर आप सॉक्स और बंद शूज़ पहनते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा सॉक्स का पेयर जो है वो अपने साथ रखें, ताकि अगर ज़्यादा घंटे आपने बंद शूज़ पहनने हैं सॉक्स के साथ तो 6 से 8 घंटे के बाद आप अपनी सॉक्स चेंज कर लें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो यूजुअली हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसको चेक करके एग्जामिन करके उसके ऊपर अपनी डायग्नोसिस जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज प्रिकॉशनरी मेजर जैसे मैंने आपको बताया कुछ वो तो है ही है, उसके साथ साथ हम लगाने वाली मेडिसिन स्टार्ट कराते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर खाने वाली मेडिसिन भी दी जाती है। खाने के लिए भी एंटीफंगल देते हैं और लगाने के लिए भी एंटीफंगल देते हैं।
ठीक है। अगर आप इसको फैलने देते हैं तो फिर ये आपके नाखूनों में भी आ सकती है, एक पाँव की बजाय दोनों पाँव में भी आ सकती है, अगर पाँव में पड़ी रहती है तो फिर हाथों में भी आ सकती है, हाथों के नाखूनों में भी आ सकती है। लेकिन बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि पाँव का है, जिसको हम एथलीट्स फुट कहते हैं। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा, नंबर टू पे कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, उसका नाम है रिंग वॉर्म। जी रिंग वॉर्म, जैसे रिंग की शेप होती है कि इसी शेप में होता है, इसलिए इसको रिंग वॉर्म कहते हैं, और हमारी लैंग्वेज में इसको टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। ठीक है, टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। आप लोगों के लिए ये रिंग वॉर्म है, आसानी से याद रखें कि रिंग के शेप के जो हैं वो, रिंग की शेप के जो हैं वो आपको लीजन्स बनते हैं या स्पॉट्स बनते हैं। ज़्यादातर जो रिंग की साइड्स होती हैं, रिंग जो होता है वो अंदर से हॉलो होता है, इसलिए उसको रिंग कहते हैं ना, वरना तो हम उसको सर्कल भी कह सकते हैं। जो रिंग है वो, रिंग जो होता है उसके जो मार्जिन्स होते हैं वो एडवांसिंग होते हैं, यानी कि रेड कलर के रिंग के मार्जिन्स होंगे, अंदर से या तो जगह खाली होती है स्किन की और या फिर उसके ऊपर वाइट कलर के स्केल्स बने हुए होते हैं। इसमें भी ख़ारिश होती है, फीचर सारे के सारे वही हैं, इसमें ख़ारिश भी होगी, इसके अंदर आपको जो है वो डिस्कम्फर्ट भी होगा, और होती ये भी इसी वजह से लगती है जिसमें आप ये देख लें कि नमी जब ज़्यादा होगी या आपके जिस्म पे पसीना आ गया था और आपने पसीने को रहने दिया है, उसे ड्राई नहीं किया या उसे साफ़ नहीं किया और वो वहाँ पे पड़ा रह गया है, तो दर्द लगने का या फंगस लगने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इची और स्केली बेसिकली ये लीजन होती है, ये प्रॉब्लम होती है, और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये कि ये रिंग शेप्ड होती है, साइड्स जो हैं वो इसकी रेड होंगी या इन्फ्लेम्ड होंगी, और अंदर से जगह खाली या उसके ऊपर वाइट स्केल्स या छिलके होते हैं। ठीक है जी, तो ये था रिंग वॉर्म। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला जो है वो है जॉक इच। जॉक इच या फिर जिसको हम टीनिया क्रूरिस कहते हैं, ये टांगों के दरमियान में जो जगह होती है जिसको हम अंडर लेग्स कहते हैं, ये बेसिकली उसका फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन ये आपके थाइस पे भी हो सकता है, यानी कि टांगों का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसमें भी हो सकता है, अंडर लेग्स के ऊपर तो होता ही है, लेकिन ये फैल के यहाँ तक हो सकता है, और उसके अलावा ये आपके कोलों पे यानी कि बटक्स तक जा सकता है। ठीक है, फीचर्स इसके भी वही हैं, ये जैसे क्लाउड्स नहीं होते उस तरह की इसकी शेप होती है इस इन्फेक्शन की, आपको पैचेस बने हुए नज़र आएंगे। इसमें भी यूजुअली जो मार्जिन्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लेम्ड और रेड कलर के होंगे, ख़ारिश इसमें बहुत ज़्यादा होती है, स्किन के ऊपर आपको स्केल्स बने हुए या खुश्की के जो स्केल्स होते हैं वो भी आपको नज़र आ सकते हैं, और इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि पसीना आ जाता है, या फिर इस मटेरियल के जो है वो अंडर गारमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि पसीने को जज़ब नहीं कर सकते, और जिस वक्त वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो वो पसीना आपकी स्किन के ऊपर रह जाता है, और जब आप चलते हैं तो स्किन यानी कि दो टांगों की जो स्किन होती है, दोनों टांगों की स्किन आपस में जुड़ती है और रगड़ खाती है, तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस और भी ज़्यादा हो जाता है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो यही होती है कि आपको ख़ारिश हो रही होती है, ख़ारिश भी हो रही होती है, और ये फैलता भी है, और ये एक बंदे से दूसरे बंदे को, जितने भी फंगल इन्फेक्शन हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकते हैं। तो हम तो पेशेंट को कहते हैं कि अगर आपको एक जगह पे फंगल इन्फेक्शन है तो आप उसके लिए जो टॉवल है वो अलहदा कर लें, और वो टॉवल आपने बाकी बॉडी या अपने जिस्म के किसी और हिस्से में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो आप ही की चीज़ों से फैल भी सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें भी यही तरीका होता है, जितने भी फंगल इन्फेक्शन हैं उन सबका ट्रीटमेंट मैं लास्ट में भी बता दूंगी, लेकिन तरीका यही होता है कि आपने अपने जिस्म को, अपनी स्किन को जो है वो साफ रखना होता है और खुश्क रखना होता है, क्योंकि आप उसे साफ और खुश्क रखेंगे तो फंगस लगने का चांस बहुत कम रह जाता है। इसके अलावा आप लूज और कॉटन के बने हुए अंडर गारमेंट्स यूज़ करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि हमने ट्रीट कर दिया तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो बार बार फंगस जो है वो लगती रहती है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं एक और इन्फेक्शन है जिसका नाम है पी वर्सिकलर। पी वर्सिकलर जो होता है, अब इसका और कोई नाम नहीं है, इसमें ये होता है, वर्सिकलर का मतलब है डिफरेंट कलर या ऑपोजिट कलर। इसमें क्या होता है कि अगर किसी की स्किन जो है वो लाइट टोन की है तो उस पर डार्क कलर के छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिनकी स्किन जो है वो बेज कलर की या गंदुमी रंगत की होती है उनकी स्किन के ऊपर वाइट कलर के, लाइट कलर के स्पॉट्स बने हुए नजर आएंगे। जिनकी स्किन लाइट है उस पर डार्क कलर के स्पॉट्स बने हुए नजर आएंगे,
और जिन नजर आते हैं और जिनकी स्किन डार्क है उनके ऊपर लाइट कलर के बने हुए स्पॉट्स जो हैं वो नजर आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें ज्यादातर इन्फेक्शन जो है वो ऊपर वाले हिस्से में रहता है, ये जो अपर टॉर्सो होता है उसी में रहता है, और जैसे शुरू होता है तो जैसे अपर शोल्डर से और यहाँ से शुरू हुआ और क्रिसमस ट्री की तरह जो है ये इस तरह से फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्रिसमस ट्री भी ऐसे ही होता है ना, नीचे से ज्यादा होता है और बड़ा और ऊपर से जो है वो छोटा होता जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जो है ये फैलता है। इसमें भी यही होता है कि आपको जो जो स्पॉट्स बनते हैं उसमें ख़ारिश भी होती है, एक डिस्कम्फर्ट होता है, और ये एक से दूसरे को भी लगता है और ये फैलता भी जाता है। माइंडेड, जब आपकी स्किन के ऊपर, जब आपकी बॉडी के ऊपर एक जगह पे फंगस होगी और वो रहेगी, हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे, तो डिफरेंट तरह के फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो उसमें एड ऑन हो सकते हैं, क्योंकि फंगस तो लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, इसमें यही होता है कि इची और स्केली जो हैं वो ये वाले पैचेस होते हैं। वर्सी कलर का मतलब है ऑपोजिट कलर, वो मैंने आपको बता दिया है, और ज़्यादातर ये ऊपर वाले हिस्से में ही यानी कि अपर टॉर्सो में होता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम कि इसके अलावा क्या होता है। अब ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था डिस्कस करना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। ये बेसिकली यीस्ट इन्फेक्शन होता है, ये भी आप इसको एक किस्म की फंगस या एक किस्म की दर्दर ही समझ लें, बट हमारी लैंग्वेज में हम इसको यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ये जो बच्चेदानी वाली जगह होती है ये बेसिकली स्पेसिफिकली उसी एरिया का इन्फेक्शन है, और ये औरतों में ही होता है, ये सिर्फ औरतों में ही होता है। और इसमें क्या होता है कि जो पेशाब वाली जगह होती है अंदर वाली साइड पे आपको जलन महसूस होती है, ख़ारिश होती है, और वहाँ से डिस्चार्ज भी होता है। डिस्चार्ज जो होता है वो क्या कहते हैं, स्मेली डिस्चार्ज भी हो सकता है, वाइट कलर का जैसी चीज़ होती है उस तरह का कलर जो है उसका डिस्चार्ज भी हो सकता है, और प्लेन वाटर की तरह का वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसमें जो फंगस होती है यीस्ट इन्फेक्शन में, जो कि फीमेल्स में ही कॉमन है और प्रेवलेंट है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो बच्चेदानी वाली जगह है अंदर वाले हिस्से में आपको फंगल इन्फेक्शन या यीस्ट इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब करने में भी जो है वो बर्निंग या फिर ये कि चुभन और जलन महसूस हो सकती है, और डिस्चार्ज भी होता है, यानी अंदर से पानी निकलना या फिर अंदर से इन्फेक्टिव किसी चीज़ का निकलना, वाइट कलर का भी निकलता है डिस्चार्ज, और प्लेन वाटर के कलर का भी जो है वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है। और इसमें जो है इसमें भी ख़ारिश भी होती है, उस जगह पे आपको स्वेलिंग भी फील हो सकती है, और इंतहाई डिस्कम्फर्टिंग होता है ये, और आपको जो है वो हर तरह से बुरा लगता है और हर तरह से मुश्किल देता है। इसके लिए हम फीमेल्स को बताते हैं कि उन्होंने अपनी हाइजीन यानी कि अपनी सफाई का, इस हिस्से की सफाई का कैसे ख्याल रखना है, और जब वो वॉशरूम जाएं या टॉयलेट इस्तेमाल करें तो उसके बाद इस हिस्से को ज़रूर टिशू से साफ़ कर लें, और अगर बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी स्किन ड्राई है, वैसे इन जनरल ड्राई है, तो ऐसे मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं जिनको हम लगाने के लिए देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने की वजह से या सफाई, मुनासिब सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से ही ये डेफिनेटली आपको लगती है। गीला रखना, इस हिस्से को गीला रहने देना बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही ख़राब है, क्योंकि उससे फिर बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें एक ये वाला यीस्ट इन्फेक्शन भी है। और इसके लिए हमें डेफिनेटली खाने की दवाई देनी ही पड़ती है। अब मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता देती हूँ कि ज़्यादातर जो फंगल इन्फेक्शंस हैं या डिफरेंट तरह की दर्दर है वो सारी की सारी किस वजह से होती है। वो बेसिकली बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में जब पसीना आता है और नमी ज़्यादा होती है, रतूबत ज़्यादा होती है, और आपकी स्किन या जिस जगह पे ये लगती है वो जगह जो है वो गीली रह जाती है, तो वहाँ पे दर्द होगी। जो पहली चीज़ होती है वो लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं, उसके अलावा जो है वो फिर हम खाने वाली दवाइयाँ भी देते हैं, जैसे ज़रूरत होती है वैसे दिया जाता है। समटाइम्स सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है कि आपको खाने वाली दवाई देनी ही पड़ती है इवन स्टार्ट से। ठीक है। अच्छा, बच्चों में एक बहुत ही जो है वो कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे पी वर्सी कलर मैं आपको बता रही थी कि इधर होता है, बच्चों में मुंह के ऊपर जो है वो बहुत कॉमन होते हैं फंगल इन्फेक्शंस, और उसमें क्या हो रहा होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे पैचेस होते हैं बिल्कुल कॉइन की शेप के, जैसे कॉइन होता है ना उसको हम डिस्कॉइड शेप कहते हैं, बिल्कुल उस तरह के जो है वो छोटे छोटे पैचेस बनते हैं, और वो जो हैं वो आपको ड्राई फील होंगे,
वाइटिश फील होंगे देन रेस्ट ऑफ द स्किन, और पेरेंट्स जो हैं उनको कुछ पता नहीं चल रहा होता, बच्चों को थोड़ी बहुत खारिश होती है एंड दैट्स इट। और पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को इसीलिए लेके आते हैं कि ये देखें इसके फेस पे क्या बन रहा है और ये ज़्यादा होता जा रहा है, तो उनको सिर्फ खाली लगाने वाली मेडिसिन देते हैं और बैरियर, स्किन के बैरियर को बेहतर करने वाली मेडिसिन देते हैं, उसी से जो है वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये थे कुछ कॉमन जो है वो फंगल इन्फेक्शंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए।